So once again back to the class. कल हम पढ़ रहे थे limitations of planning और उसमें हमने चार पॉइंट कवर कर लिए थे. अब जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा next limitation of planning में next point. Planning is a time consuming process. Planning is a time consuming process. और ये बात बिल्कुल सही है. Planning एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है? व्हाई दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस? देखिए, जब कोई नया बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसकी एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनती है जो उस पूरे बिजनेस के प्लानिंग का एक पार्ट होती है. और वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको बनाने में एक महीने का समय लगता है और उसके लिए चाहिए लोग, एक्सपर्ट्स, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. तो दोनों काम हो गए. ये पॉइंट दोनों चीजें बताती है, एक तो टाइम और ऊपर से पैसा. इन केस अगर प्लानिंग में जरूरत से ज्यादा समय लग गया तो पता चला टाइम निकल गया, हम प्लान बनाते रह गए. तो प्लान बनाते रह गए और टाइम निकल गया. तो जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. मतलब क्या? प्लानिंग में जितना समय हो हमारे पास अवेलेबल उतना ही समय लगाया जाना चाहिए. इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ सुटेबल प्लान मैनेजर नीड टू स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग डाटा. तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहां लगता है? इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट डाटा. खासकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में डाटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, कलेक्टिंग टू कलेक्ट डाटा, एनालाइजिंग डाटा, इसमें भी टाइम लगेगा. और इंटरप्रिटेटिंग डाटा इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि डाटा के जो रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट करना जरूरी है. तो प्लान हम किस चीज पर करते हैं, ध्यान से समझिए. हम लोग प्लान किस चीज पर करते हैं? हमारा प्लानिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके. तो हमारा जो प्लानिंग है वो किसके बेसिस पर होता है? मोस्टली हमारे जो प्लान्स हैं वो डाटा के बेसिस पर होते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम लेकर आएंगे. ज्यादातर लोग सोचते हैं हम खाली सोचकर प्लान करते हैं, ऐसा नहीं है. प्लानिंग के लिए थिंकिंग के अलावा दूसरी भी चीजें हैं. हम डाटा कलेक्ट करते हैं. अब वो डाटा का कलेक्शन हो सकता है वो डाटा हमारे पास हो, हम किसी और से लें, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से डाटा लें, लेकिन हमें डाटा की आवश्यकता पड़ती है प्लानिंग में. प्लानिंग में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिमिटेशन,
प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग जो है वो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देती। ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको सक्सेस हो ही जाएगा। प्लानिंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, अगर प्लान नहीं बनाया तो फेलियर निश्चित है। एक सेंटेंस है, प्लानिंग टू फेल इज अ फेलियर टू प्लान। कहने का मतलब, अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो इसका मतलब है कि आपने फेल होने का प्लान बना लिया है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट मींस दैट यू आर प्लानिंग फॉर द फेलियर। सो प्लानिंग इज ए डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एंटरप्राइज का, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन प्रॉपरली ड्रॉन प्लान। बहुत सिंपल है, आप चाहे जितना अच्छा प्लान बना लीजिए, चाहे जितने प्रॉपरली ड्रॉन प्लान बना लीजिए, इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। सो प्लानिंग के सक्सेसफुल ना होने के कई कारण होते हैं, जिनमें एक होता है एनवायरमेंटल चेंजेस। हमारा प्लान बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास रिसोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट चेंज हो गई। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको जो अभी चल रहा है। इस समय पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है। आप लोगों ने थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ी होगी, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेजेस हैं जो इस समय दुनिया में चल रही हैं, तो वो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेजेस हैं उसकी वजह से कई कार कंपनियों को प्रॉब्लम हो रही है। ये एग्जाम्पल है, केस स्टडी है ये अभी जो चल रही है। तो कार कंपनियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्ट हो रहा है तो वो है मारुति। मारुति का जो प्लांट है सानंद गुजरात में, वहां पर उन्होंने कार के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि आजकल लगभग सभी कारें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर काम करती हैं। जब सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं हो रही तो कार बना के फायदा गया है, और सेमीकंडक्टर की सप्लाई इंप्रूव होगी नवंबर में जाकर। आप जो समझ लीजिए उनके पास स्टॉक खत्म हो गया, सेमीकंडक्टर का वो जो हार्डवेयर है जो विदेश से आता था वो मिल ही नहीं रहा है आपको, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। अब सितंबर अगस्त चल रहा है, अगस्त के लिए उनके पास सप्लाई है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने उनके पास हार्डवेयर नहीं होगा। तो हार्डवेयर नहीं होगा तो गाड़ियां जो है सप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो कार बना तो लोगे आप, इनकम्प्लीट बना के रखोगे लेकिन सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ये हो गई एक प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आई है। एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है, जहां सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है जिन फैक्ट्रियों में, उन फैक्ट्रियों के जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको कोरोना हो गया, और उनमें से अगर किसी को नहीं हुआ जो काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन कम हो गई, लॉजिस्टिक्स की जो चेन है उसको भी अफेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है सेमीकंडक्टर वाला, जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो ठीक है, जिनका स्टॉक अवेटेड है, जिनके ऑर्डर लगे हुए थे वो ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं टाइम पर, सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बढ़ रही है ज़्यादा, और महंगा खरीदेंगे जब, जब महंगा होगा है ही नहीं तो आप खरीदोगे क्या, प्राइस चाहती कोटेड कर लो, तो सप्लाई साइड सुधारते सुधरते टाइम लग जाएगा आपका नवंबर के आखिर तक। तब तक कार बनाने वाली कंपनियों को अपनी कार की डिलीवरी जो है उसकी सप्लाई का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कार बनाने वाली कंपनियों ने खूब प्लान बनाया, कार बनाने वाली कंपनियों ने खूब प्लान बनाया, लेकिन अब सक्सेस नहीं मिल रही उनको। सक्सेस ना मिलने के कारण क्या है, वो सिंपल है, वो कारण उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आपने जितने भी लिमिटेशंस जो पढ़े थे वो कौन से थे लिमिटेशन, अगर आप गौर से देखें तो लगभग वो सारे के सारे लिमिटेशंस थे इंटरनल जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन एक और है उन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये टॉपिक सोचने वाला टॉपिक है, पढ़ाने वाला उतना ज्यादा नहीं है। तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, ये हिडन टॉपिक है आपका, आपके चैप्टर का हिडन में टॉपिक है। ये हिडन में कैसे है, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया गया है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया है, और ये भी पढ़ाया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और प्लानिंग हम बिजनेस को सक्सेस करने के लिए करते हैं। तो प्लानिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के बीच की जो लिंक है वो ये टॉपिक है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे प्लान को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आपके आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आता था, आगे सब्जेक्टिव जब होएगा तब बताएंगे, वो क्वेश्चन होता है मल्टीडिसिप्लिनरी। तो ये जो टॉपिक है ये मल्टीडिसिप्लिनरी में आता है, और कल मैं एक टॉपिक की बात करता रहा assertion based question, ASSERTION। तो assertion based question के लिए limitations of planning और external limitation of planning बहुत बढ़िया हॉट टॉपिक है। इसमें से एक या दो assertion based question फॉर्म किए जा सकते हैं, आप लोग खुद ही फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दीज relate to scientific, these relate to scientific improvement। ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, टू इंप्रूव क्वालिटी और रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं। साइंस के इंप्रूवमेंट की वजह से जो हमारी प्लानिंग में चेंज आएगा, यानी हमारी प्लानिंग कैसे चेंज होगी, हम क्वालिटी में चेंज लेकर आएंगे, क्वालिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम कॉस्ट कम करने की बात कर रहे हैं, रिड्यूस कॉस्ट। हम कॉस्ट कम क्यों करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम कॉस्ट कम इसलिए करेंगे क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी को आप लेकर आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी महंगी आएगी, उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो ये भी एक्सटर्नल लिमिटेशन है आपका प्लानिंग का, यानी कि ये कहते हैं ना बाहरी दबाव है। आपने बहुत बढ़िया प्लान बना लिया लेकिन आपके प्लान के ऊपर प्रेशर है बाहर से। बाहर से किस चीज का प्रेशर है, टेक्नोलॉजी का प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजिकल प्रेशर आजकल हम सभी जगह देख रहे हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो या आपकी क्लास जो चल रही है उसमें भी टेक्नोलॉजिकल प्रेशर है। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हमारे प्लान को बाहर से अफेक्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे प्लान्स को तेजी से करती है, क्योंकि वो जमाना चला गया जब गवर्नमेंट बड़े आराम से डिसीजन लेती थी। आजकल की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, वो बहुत तेजी से डिसीजन लेते हैं, और
गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंजेस, फ्रीक्वेंटली चेंजेस पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, पुराने जमाने में जब तक डाटा कलेक्ट होता था, फिर वो डाटा कलेक्ट होके मिनिस्ट्री में जाएगा, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर को बताएगा, फिर मिनिस्ट्री में बैठक होगी, फिर डिसीजन होगा, फिर उस डिसीजन की कॉपी बनेगी, फिर वो कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, फिर वहां से बिजनेसमैन तक जाएगी। एक महीना लग जाता था, तब तक अपॉर्चुनिटी चली गई, तब तक थ्रेट आ गया, यानी जो थ्रेट था वो रियल में आ गया, अपॉर्चुनिटी चली गई। लेकिन आजकल की स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है, सब कंप्यूटराइज्ड हो गई है, डाटा तेजी से भागता है। वो जमाने चले गए जब सब लोग इकट्ठे होंगे, अभी तुम जहां बैठे हो वहीं चालू हो जाती है गवर्नमेंट, ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। अब तो गवर्नमेंट वीपीएन वीडियो कॉलिंग पर सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा कर लो। पहले मीटिंग होती थी 10 से 5 के बीच में टाइम होता था, 10 बजे ऑफिस खुलेगा फिर मीटिंग होगी। अभी तो मंत्री जी बोलते हैं सुबह 6 बजे उठ जाओ, अपने अपने घर में ऑनलाइन हो जाओ मोबाइल से फटाफट, अपने अपने सॉफ्टवेयर से, जो सरकारी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिक्योरिटी होती है। मंत्री जी सुबह 6 बजे मीटिंग बुला ली, अपने अपने घर से अटेंड करो और डाटा सीधे मंत्री जी के लैपटॉप पर पहुंचाइए। नीचे से डाटा अपडेट होता है और तुरंत ऑन द स्पॉट मंत्री जी तक पहुंचता है। पहले जो प्रोसेस एक महीने में होती थी, आज वो प्रोसेस 3 से 4 दिन में होती है। तो पॉलिसी भी उतनी फ्रीक्वेंटली आएगी, और इतनी फ्रीक्वेंटली पॉलिसी आएगी तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो पॉलिसी चेंज होती है उससे तुरंत बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली दो बड़े चेंजेस हमने देखे मार्केट में, एक शुगर पॉलिसी पर आया चेंज, दूसरा एथेनॉल की पॉलिसी। एथेनॉल मतलब पेट्रोल में जो गन्ने का जो रस निकलता है, गन्ने के रस को सड़ाकर एक केमिकल बनाया जाता है, वो एथेनॉल निकलता है, कुल मिलाकर वो वेस्ट होता है। ठीक है, शुगर बनाने की फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो एथेनॉल होता है, और उस वेस्ट मटेरियल को पेट्रोल में मिक्स करते हैं जिससे हमारा पेट्रोल की कंजम्पशन 20% कम हो जाती है। तो वो मिक्स्ड एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल आ रहा है आजकल। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी, एक महीने में दिखने लगा। अभी दाल की पॉलिसी लेकर आई, तो डिमांड आई तुरंत, पब्लिक की डिमांड आई, सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो दालों में पॉलिसी चेंज कर दी। पहले सारी दालों की एक पॉलिसी होती थी, अब हर दाल की अलग अलग पॉलिसी है। मूंग की दाल की पॉलिसी अलग, तुअर दाल की अलग, चने की अलग, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। सरकार तेजी से काम कर रही है, इसका उन बिजनेस पे बहुत फास्ट इफेक्ट होता है, और ये हमारे बिजनेस के किसी भी कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी हमारे बिजनेस के हाथ में नहीं है। हम बिजनेस कर सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं रोक सकते बिजनेस में, और कॉम्पिटिशन इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन सोचे कि भैया मेरा कंपटीशन आएगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो वो होगा। अगर बिजनेस में रहना है तो कंपटीशन में सरवाइव करने की हैबिट डालो। अब देखिए कितना खतरनाक माहौल है इंटरनली और एक्सटर्नली। कुमार मंगलम बिरला ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू, एड्रेस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है कि आप हमारी जो ये है ना वोडाफोन आइडिया, इस कंपनी को बचा लीजिए वरना ये पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर बिरला का उस कंपनी में 27% स्टेक है, ये समझ लीजिए वोडाफोन इंडिया बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। इनके एक लेटर लिखने से जितने भी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, यस बैंक और दो और बैंक हैं, इनके कान खड़े हो गए, क्योंकि इन लोगों ने 1,25,000 करोड़ रुपया वोडाफोन को धार दिया। ध्यान से सुनना कितना पैसा उधार दिया है, 1,25,000 करोड़ रुपया उधार दिया है किसको, वोडाफोन को।
मान लो वोडाफोन डूबा, तो बैंक का पैसा डूबा और हमारे और आपका टैक्स का पैसा डूब गया। वोडाफोन के डूबने का असर पूरी बिजनेस मार्केट पर पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। जब कंपटीशन आ गया वोडाफोन के सामने, तब उनको समझ में आया अरे हम तो बर्बाद हो गए। उन्होंने वो कंपटीशन आने दिया, एक्सटर्नल फोर्सेस। वोडाफोन क्यों मरा, वोडाफोन के मरने का कारण क्या था? वोडाफोन के मरने का कारण था वोडाफोन की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन बिजनेस। अगर वोडाफोन इंसानों जैसा व्यवहार करता तो रियल में वोडाफोन को कोई नहीं रोक सकता था। वोडाफोन की और आइडिया की जो रीच है वो पूरे भारत में है, और पैन इंडिया रीच है उसकी। पूरे भारत में आपको वोडाफोन का नेटवर्क मिलता था, लेकिन उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी थी स्किमिंग पॉलिसी। स्किमिंग मतलब आदमी की खाल खींच लो आप, मतलब उसको दुखी कर दो, अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना दो कि लोग तरसे आपके प्रोडक्ट के लिए। और जब आदमी के अंदर तरस पैदा हो जाता है, लस्ट पैदा होती है प्रोडक्ट की। मार्केटिंग चल रहा है, ये ध्यान से सुनते जाना, मार्केटिंग विद प्लानिंग। जब प्रोडक्ट की लस्ट पैदा हो जाती है तो इंसान को उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। 2015-16-17 में 1GB 290 रुपये का वोडाफोन, 1GB डाटा 290 रुपया। सोचो, जब मैं वोडाफोन में जब ऊपर वाइज ज्वाइन किया तो मैंने 296 रुपीज उसको पे करे 1GB डाटा के लिए। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड कि ये क्या कर रहा है वोडाफोन, क्योंकि मैं रिलायंस यूज कर रहा था गुजरात में, वहां पर मुझे नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि रिलायंस जो अनिल अंबानी का था उस समय ठीक चल रहा था। बट वॉट हैपेंड टू अस, आप लूट रहे हैं। वो एक्चुअली उन्होंने लूट बचा रखी थी। वो चाहते तो फ्यूचर ध्यान में रखकर अपने प्लान पहले चेंज कर लेते, अपनी कॉस्ट को कम करते कि नहीं करते, कॉस्ट को कम करते, टेक्नोलॉजी को चेंज करते, तो ये कॉम्पिटिटिव ब्रांड पैदा ही नहीं होता। जियो को पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान है वोडाफोन और आइडिया का। जियो इसी वजह से जन्म लिया, हमने खुद कंपटीशन को दावत दी, और जब कंपटीशन सामने आके खड़ा हो गया तो प्रोडक्ट की बैंड बज गई। ये है कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, जो एक्सटर्नल फोर्स है, और ये हमारी प्लानिंग की बैंड बजा देती है। हम कोई भी प्लान बना लें, लेकिन कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट हमारे प्लान को धराशायी कर सकते हैं। बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज, बेटर सेल्स प्रमोशन एंड पॉलिसी लीड टू इनफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, यानी हमारी प्लानिंग को इनफेक्टिव बना देगी। चेंज इन स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स में लीड टू फेलियर ऑफ फर्म्स प्लान, यानी कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेटजीज चेंज हुई है वो हमारे प्लान्स को बर्बाद कर सकती है, वो हमारे प्लान को क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। जैसे बाबा रामदेव के आने से यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शॉ वॉलेस, हिमालया, इन सबकी बैंड बज गई, वरना इन लोगों का एक छत्र राज था। शरबत में हिमालय कंपनी का वन मैन शो था, लेकिन बाबा जी के आने के बाद शरबत की बैंड बज गई हिमालय कंपनी की। हिमालय कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन की बैंड बजा दी, सुनते जाना, और बाबा जी ने इन सब की बैंड बजा दी। तो क्या हुआ, कंपटीशन आया। ऐसा ही एक और ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको कह सकता हूं, ब्रांड का नाम था डालडा वनस्पति घी। डालडा अपने आप को खा गया, और उसने एक ऐसे ब्रांड को जन्म दिया भारत में जो पूरे भारत पर छा गया, अदानी बिलमार का फॉर्च्यून। ऐसा नहीं था कि फॉर्च्यून को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन डालडा से नफरत हो गई है, तो फॉर्च्यून से प्यार हो गया, और कुछ नहीं है ये। और ये क्यों हुआ, ये इसी की वजह से।
हम बेताब बादशाह इस मार्केट के, हमें कोई हरा नहीं सकता। ऐसी सोचने वाली कंपनियां कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से उनके प्लांट्स की बैंड बज जाती है। किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिगो के आते ही किंगफिशर के बुरे दिन चालू हो गए। स्पाइस जेट, इंडिगो, और वो एक और सस्ती वाली कौन सी है, सस्ती वाली एक और आती ना फ्लाइट जो बहुत सस्ता टिकट बेचती थी, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, शायद इंडिगो ही है या गो एयर, ये बहुत सस्ते टिकट बेचती है। ये कहते हैं हम तो खाली टिकट देंगे, पानी भी आप खरीद कर पियो। नहीं नहीं नहीं, एयर एशिया नहीं, एयर एशिया नहीं, एयर एशिया महंगा है। एयर एशिया तो टाटा की ग्रुप की कंपनी है, एयर एशिया में 49% शेयर्स टाटा के हैं इसमें। अरे वो इंडिगो ही है शायद, वो इंडिगो में उसका मिलता जुलता कुछ दाम ही है। तो वो क्या करते हैं, सस्ता देते हैं सबसे टिकट, वो केवल फ्लाइट का चार्ज करते हैं। पानी पीना है तो 40 रुपए का ग्लास मिलेगा तुमको, कुछ भी फ्री नहीं है। किंगफिशर एयरलाइन में तो माहौल ही अलग था, वहां तो आप टिकट लीजिए आपको वाइन भी मिलेगी, चार पैक देते थे वो लोग चॉकलेट्स, ये गिफ्ट रैपर्स, पता नहीं क्या क्या, हैंकरचीफ, वाउ, पूरा एक किट देते थे वो, और उसके पैसे कस्टमर से लिए जाते थे। हिंदुस्तानी कस्टमर को केवल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाना है, उसको उसको ड्रिंक्स में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इन लोगों ने ये बनाई। अच्छा, उसका उसका कंपनी का नाम, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी जैन है, बिल्कुल वो बहुत ही अजब अजीब आदमी भी है। वो ये क्या, उसने उसका अपने इंटरव्यू में कहा, हिंदुस्तानी लोगों की मानसिकता समझिए, हम फ्लाइट में तब जाते हैं जब हमको जल्दी कहीं पहुंचना होता है, या फिर हम ऑफिस के काम से नहीं जाना है। इंसान पर्सनल काम से फ्लाइट में सिंपल टिकट लेगा। तो उन्होंने उसकी उसी भावनाओं को पकड़ा और अपने टिकट के प्लान बनाए, किंगफिशर की बैंड बज गई। तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बड़ी आसानी से हराए जा सकते हैं, बशर्ते हमें कस्टमर्स के बारे में बताओ। लेकिन ये फैक्टर भी क्या है, एक्सटर्नल है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट, फैशन, ट्रेंड्स एटसेट्रा। ठीक है, अभी क्या है, चेंज इन टेस्ट, फैशन, ट्रेंड, क्या भैया ये चेंज हो रहा है, टेस्ट बदल गया आदमी का, यानी कि जीवन देखने का तरीका बदल गया, फैशन बदल गया और ट्रेंड्स बदल गए। अभी लॉकडाउन में पता नहीं किसी ने मुझे भेजा हमारे शहर से कि हम लोग एक रिसॉर्ट डेवलप कर रहे हैं, वो रिसॉर्ट कम शूटिंग रेंज बनाएंगे हम उसको। हमने कहा किस चीज की शूटिंग होगी, तो बोला ये जो प्री वेडिंग शूट होते हैं उसमें आउटडोर लोकेशन पर लफड़े होने लगे हैं आजकल। मतलब आप आउटडोर लोकेशन पे शूटिंग करते हैं प्री वेडिंग का, तो लड़ाई झगड़ा मार पीट पुलिस का इसका लफड़ा होने लगा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम प्री वेडिंग शूट के लिए अपना एक रिसॉर्ट बनाएंगे और उसमें वो सारी चीजें रखेंगे जो प्री वेडिंग शूट के लिए जरूरी है। मेरे तो मैंने जब उसको पढ़ा, आर्टिकल छोटा सा था, मेरे कान खड़े हो गए, मैंने ये क्या दिमाग लगा रहा है मैंने ये। फिर कमेंट्स आना चालू हुए तो पता चला कि भैया जी जो है ये फोटोग्राफर है, इन्होंने प्री वेडिंग शूट में इतना पैसा कमा लिया कि एक शहर से दूर गांव में एक जमीन ली है, वहां पर वो रिसोर्ट बना रहे हैं केवल वेडिंग शूट्स के लिए, और वेडिंग्स के लिए या जो भी प्रोग्राम वगैरह या जिन लोगों को थोड़ा आउटडोर में शांति में जाके रहना है उसके लिए। मेरे को समझ नहीं आया कि हमारा हम किस तरफ चले जा रहे हैं बिजनेस में, और कौन सा बिजनेस के ऊपर राई का पहाड़ बना रहे हैं। उसने कहा आज 1% लोग वेडिंग शूट करते हैं, आने वाले समय में 10% करवाएंगे। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि मान लो फैशन चेंज हो गया तो प्री वेडिंग शूट आया बहुत तेजी से था, अब पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं उसका। यू नो व्हाई, आप लोगों को बता सकता हूं, आप लोग यंग हैं,
आपको समझ में आएगा। क्यों मना कर रहे हैं पेरेंट्स? साफ बोल देते पेरेंट्स, प्री वेडिंग शूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्री वेडिंग शूट होने के बाद शादियां टूट रही हैं, सगाइयां एंगेजमेंट खत्म हो रही है। 10 में से 4 टूट गई, लाखों रुपए खर्च हो गया पेरेंट्स का और एंगेजमेंट भी टूट गई। लड़का अलग परेशान है, माँ बाप अलग परेशान है, लड़कियां अलग परेशान है और कईयों की लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई। और आउटपुट क्या है उसका? 0। मुझे बड़ी अजीब सी बात समझ में आ रही है फैशन की। जो शूट हुआ है ना वो प्री वेडिंग है, पोस्ट वेडिंग उसे देखने वाला भी कोई नहीं है हार्डली। मैं आप लोगों से कह सकता हूं, सर्वे कर लेना अपनी अपने आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी लोग हैं उनसे केवल एक क्वेश्चन पूछना, आपने अपनी मैरिज के बाद अपनी शादी का वीडियो कितनी बार देखा, या अपनी शादी की एल्बम आपने शांति से अकेले में कब देखी, फैमिली के साथ नहीं। फैमिली के मतलब पूरे फैमिली के साथ तो बड़ी बात है, अकेले बैठकर कभी देखी? आप सर्वे कर लेना तो मैं आपको बता दूंगा कि ज्यादातर लोग बोलेंगे हमने नहीं देखी और नहीं देखना चाहते हम लोग। सोसाइटी चेंज इन टेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स, ट्रेंड चेंज हो जाता है और जो चीज बिजनेस में ट्रेंड में है उसके बदलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे एक ट्रेंड अभी आ गया मोबाइल में, 4 कैमरे वाला लेना है, 20,000 से ऊपर का लेना है, 5G लेना है, ट्रेंड चेंज हो गया। फैशन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, अभी टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी का चेंज होगा, ट्रेंड पहले चेंज हो गया। तो जो प्लान कर रहे हैं, जैसे नोकिया वाले प्लान कर रहे हैं, अब नोकिया वालों के सामने बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने प्लान करके मोबाइल लॉन्च किया, अब इंडियन मार्केट में ट्रेंड ही बदल गया तो उनका जो प्लानिंग वाला प्रोडक्ट है वो फिर बेकार हो गया। अब उन्हें दोबारा फिर से प्लान बनाओ, ये प्लानिंग की प्रॉब्लम है, ये केस स्टडीज है, आपको इनसे बाहर आना है। फिर आती है नेचुरल क्लेविटी, 5th पॉइंट, नेचुरल क्लेविटीज। अब नेचुरल क्लेविटीज में मैं लिख देता हूं COVID-19, फ्लड्स एक्सेट्रा, मतलब आप समझ जाइएगा, बहुत ज्यादा पढ़ रखा है आपने इसके बारे में। ये वो है जो आपकी पूरी प्लानिंग को खत्म कर देंगे, ये वो पॉइंट्स हैं। 5th पॉइंट वो है, आपने बहुत बढ़िया प्लान बनाया, बैंड बज गई। एक गाना आया था निकाह मूवी का, बहुत बढ़िया गाना है, उसकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले कहते हैं दिल के अरमा आसमां में बह गए, ठीक। और इसका उल्टा भी है, जो चाहा वो मिल गया। अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है इस नेचुरल क्लेविटी में? जब पहली वेव आई तो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शादियों का सीजन सामने पड़ा था। आप सोचिए सर, आप लोग सोचते होंगे कि मैं इसके क्यों ऊपर फोकस करता हूं, मेरा फोकस करने का लॉजिक है, इंडियन मैरिज मार्केट जो है 3.5 लाख करोड़ की है। कितने की? 3.5 लाख करोड़ रुपया हम हिंदुस्तानी शादियों में खर्च करते हैं, इकोनॉमी का आधार है ये हमारे देश की और सामाजिक ताने बाने का आधार है ये, कहते हैं ना बेसिस। तो अगर मैं 3.5 लाख करोड़ के बेसिस को ना पढ़ाऊं नेचुरल क्लेविटी में तो फिर क्या मतलब रहा मेरे पढ़ाने का? 3.5 लाख करोड़ का था 2018-19 का डाटा, मार्च में आया कोरोना, शादियों का सीजन अप्रैल मई जून जुलाई सामने खड़ा है, कोई मैरिज अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर अनलॉक 1, 20 आदमी आएंगे शादी में, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये था। दूसरा जो चाहा मिल गया, गरीब आदमी सोचा बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बढ़िया मौका है। तो गांव वालों ने क्या किया,
इस मौके का फायदा उठाया, रिश्तेदारों को बोल दिया गांव में आना मत, शादी में सिर्फ आशीर्वाद भेजना। फायदा हो गया, रिश्तेदार आएंगे नहीं, गांव वालों को खाना नहीं खिलाना है, केवल गिनती के 10 तुम्हारे 10 हमारे, फ्री में शादियां निपटा दी, सब खुश। लेकिन कुछ लोगों के अरमान जो है वो बह गए पानी में। ये होती है एक्सटर्नल। इसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? ना बैंड ना बाजा, ना हलवाई ना ढोल, ना इमिटेशन ज्वेलरी ना ड्रेसेस, ना मेकअप ना पार्लर, सब खत्म, सबका बिजनेस जीरो। ये पूरे के पूरी ये जो कॉम है जो डेली वेजेस पर काम करती है, ये जो 3.5 लाख करोड़ का बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों को जाता है जो भारत में लाइन में पीछे खड़े हैं सबसे, यानी हम हिंदुस्तान में रिसोर्स एलोकेशन में सबसे पीछे जो खड़े हुए हैं वो कौन है? वो बैंड बजाने वाले हैं, ढोल बजाने वाले हैं, हलवाई का काम करने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस, टेलर, ये सबसे पीछे खड़े हुए हैं। इनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया। इनके बिजनेस खत्म होने का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ? इन्होंने अपनी जितनी भी डिमांड्स थी सबसे पहले उन्होंने वो जीरो कर ली। और वो केवल किस पर आकर रुक गए? बेसिक किस पर रुक गए? रोटी पर आकर रुक गए। हमारी बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट और मेडिकल। तो मेडिकल टॉप प्रायोरिटी पर चला गया और फॉलोड बाय रोटी। कपड़ा नहीं खरीदना है, मकान में कुछ नहीं करना है, अगर रिसोर्स है तो करना है। एजुकेशन बंद है, एंटरटेनमेंट घर में करो जो करना है। नतीजा क्या हुआ? इस नेचुरल क्लेविटी ने जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस थे सबके प्लान की बैंड बजा दी। जस्ट मिनट। जी सर, क्या हो गया? मैं आता हूं, तुम्हें क्लास खत्म कर। तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हमारी तरफ से भी होती है और बाहर से भी हमारे ऊपर प्लानिंग में लिमिटेशंस आती हैं। ये वो लिमिटेशंस हैं एक्सटर्नल जो हमको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का प्लानिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब इसके जो कारण है, आप जितना सोच सकते हो वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में एक खास चीज है, इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट चलता है और बिजनेस में हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना में अगर कोई बिजनेस खत्म हुआ तो कुछ चालू हुआ। कोरोना में फलों की डिमांड सबसे ज्यादा रही, लोगों ने मन भर के फल, सब्जियां, बिस्किट, पनीर, रेडीमेड आइटम खूब खाए, घर में बैठे ना, तो उनकी डिमांड अलग चली। किराने वाले लखपति हो गए, ऐसा कोई किराना वाला मैंने नहीं देखा, अब उसकी किस्मत खराब हो बात अलग है, मिनिमम जनरल स्टोर वाले ने, मैं गढ़चंदूर के किराने वालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई किराना वाला नहीं है गढ़चंदूर का जिसने कोरोना की पहली लहर यानी कि मार्च से लेकर दिवाली तक मिनिमम 10 लाख रुपए से कम एक्स्ट्रा अर्न किए हैं। 10 लाख रुपीज एक एक किराने वाले ने छापे हैं, और जो बड़े किराने वाले थे वो करोड़पति हो गए। और मेडिकल शॉप वाले और मेडिकल की फार्मा कंपनी, उनके बिजनेस 3 गुने हो गए। मरा कौन? जो मैंने कहा था ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो सारे मर गए। ओके, तो यहाँ हमारी लिमिटेशंस खत्म होती हैं, कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब एक ही टॉपिक हमारा बचता है इस पूरे प्लानिंग में, वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस। तो हम इसे कल से शुरू करेंगे और ये 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगी। वर्डिक्ट, किसी को कुछ क्वेश्चन लेना है क्या? एनीवन वांट्स टू टेक एनी क्वेश्चन? Okay, so see you tomorrow morning.
अकाउंट्स क्लास।